बहुत लोग प्रभु चाहते हैं, स्वीकार करते, तौबा करते, बपतिस्मा लेंदे, चर्च च लगातार आते और वो सोचते हैं कि मैं प्रभु च आ गया, मैं बच गया, तो इन्ना काफी है, इन्ना ठीक ठाक है, अपने आप नू सुरक्षित समझते हैं और समझते हैं कि मैं बच गया है। पर इन्ना काफी नहीं है। बाइबल कहती है अगर तुम बचे हो तो दूसरों नू भी बचाओ। ये तो आप बच गए हो, अपने बच्चों वाल ध्यान नहीं, आंढ गुआंढ वाल ध्यान नहीं, मर रहे प्राणा दा तुहाडे कदी बोझ नहीं आता, तुम भटके हुए मसीही हो। पर परमेश्वर कहता है कि दूजिया नू दसो। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरकुस की किताब 8:35 आयत कि कोई भी मनुख जो मेरे लिए अपनी जान गवा देगा उन्हें प्राप्त करेगा। जो कहने मैं बच गया तो बच गया, मैं जान बचा ली, इन्ना क नहीं है। प्रभु ने कहा क्योंकि जेड़ा अपनी जान बचानी चाहे उन्हें गवावेगा, पर जेड़ा मेरे अते अंजील दे ले, अंजील की है खुशखबरी, अंजील की है उर्दू का लफज है, अंजील का मतलब है महान आज्ञा खुशखबरी। आमेन। क्योंकि जेड़ा अपनी जान बचानी चाहे उसनु गवावेगा, पर जेड़ा मेरे अते खुशखबरी ले अपनी जान गवाए ओ उसनु बचावेगा। मतलब परमेश्वर का हुक्म है साडे लई कि खुशखबरी दे लई अपनी जान गवा दईए, सैक्रीफाइस कर दईए, कुर्बानी कर दईए और फिर असी की करांगे, इसनु बचा लवांगे। हालेलुया। सानू अपना त्याग करना पैना, सानू अपनी कुर्बानी देने पैनी, सानू अपनी जान दी परवाह कीते तो बिना, चाहे खतरे होन, रुकावटा होन, कुछ भी होवे, खुशखबरी ले जाना पैना है। आमेन।